हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। बेसिकली ये क्लास 11th का है। सो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस और सिग्मा पाई इफेक्ट और वेकर नाथन इफेक्ट। बेसिकली ये होता क्या है, हाइपर कंजुगेशन बाकी सब इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में आप लोगों ने देखा होगा कि रेजोनेंस अगर होता है तो उसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है या पाई इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये ऐसा कंजुगेशन इफेक्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास ये CH3 है, CH2 है, लेकिन इसके पास पी ऑर्बिटल वैकेंट है, और जब पी ऑर्बिटल वैकेंट है तो ये सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना बॉन्ड इसे दे करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और उसका पी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वो फुलफिल हो जाता है। तो वो पी ऑर्बिटल जब फुलफिल हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन। लेकिन इसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जब भी ये हाइपर कंजुगेशन होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, और वो बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन वो बॉन्ड रहेगा नहीं, वो एच, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये मेरा CH2+ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो भी रहता है लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखने जाएंगे तो आपको अल्फा हाइड्रोजन का रहना कंपलसरी है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे तभी हाइपर कंजुगेशन सिस्टम होगा। जैसे कि देखिए कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है, उसी प्रकार यहाँ वाले हाइड्रोजन भी डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ वाले हाइड्रोजन भी डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। उसी प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ वाले हाइड्रोजन से ये स्ट्रक्चर है, यहाँ वाले हाइड्रोजन से ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ वाले हाइड्रोजन से ये स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ये मेरा कोई अल्काइल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच टू एन एटम विथ एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल, देखिए ये डायरेक्टली अटैच हो रहा है एम्प्टी पी ऑर्बिटल से टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये क्या है मेरा अनसैचुरेटेड सिस्टम, ठीक है, ऑफ द एटम। एक और देख सकते हैं डिफिनेशन, बेन sp3 कार्बन एटम, ये क्या है आपका, ये एक sp3 कार्बन एटम है विथ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अनदर कार्बन हैविंग वैकेंट पी ऑर्बिटल और बॉन्डेड पी ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड आर कंट्रीब्यूटेड फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस सिग्मा पी रिजोनेंस इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। कहने का मतलब क्या है कि वैसा CH बॉन्ड जिसके H क्या हो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने में कंट्रीब्यूट करते हो, यानी कि सिग्मा के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट करते हो, तो उससे जो इफेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब एक नोट यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ कि इफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबिलिटी इज मोर, वैसे स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। अब हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे, सपोज हमारा कोई सिस्टम है, ये CH2 है, CH2+ है, और इधर CH3 है, तो CH2+ के इधर या CH2+ के इधर जितने भी कार्बन होंगे और उस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सभी कहलाएंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि देखिए इस CH2 के पहले क्या है, CH3 है, और इस CH3 के पास क्या है, 3H है, तो ये तीनों H क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। उसी प्रकार एक और सिस्टम लेते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला, तो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH2 और ये CH2 डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के इधर वाले जो भी कार्बन होंगे या इस डबल बॉन्ड के इधर वाले जो भी कार्बन होंगे उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो सभी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं इस CH के पहले कितने हैं, H, 3H हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और ये इसमें देखिए
तीन एच है तो तीन अल्फा हाइड्रोजन। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक आपका क्या है फ्री रेडिकल वाला है, तो ये हमारा क्या है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के पहले जो भी कार्बन होगा या फ्री रेडिकल के बाद जो भी कार्बन होगा और उस पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो कि मेरा क्या कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और तो ये बेसिकली तीन तरीके का हम लोग देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोएनायन एंड हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। एक वन बाय वन सभी देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। अब जो CH2+ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे कार्बोकेटायन। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा उसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे देखिए इस CH2+ के पहले तीन हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, और जैसे हम लोग पहले वाले केस में देखे थे कि ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे हो जाएगा नो बॉन्ड। देखिए यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एच के ऊपर प्लस है, यानी कि तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारे तीन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक फार्मूला आप देख सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। इसलिए इस मॉलिक्यूल में तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका जो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा वो तीन होगा। अब एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाएँ कार्बोकेटायन के तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए हमारे पास है एक एग्जांपल, ये है, ये है, ये ये, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री वाला कार्बोकेटायन है और ये मिथाइल कार्बोकेटायन है। हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कार्बन के पास जो CH3 है वो 3H है, यहाँ पर भी 3H है, यहाँ पर भी 3H है, यानी कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। उसी प्रकार ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो यहाँ पे क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। उसी प्रकार यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इस मिथाइल पॉजिटिव पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसे मिथाइल कार्बोकेटायन, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री वाले के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री वाले के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन और 1 डिग्री वाले के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन बड़ा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री बड़ा होगा 1 डिग्री से और 1 डिग्री बड़ा होगा मिथाइल कार्बोकेटायन से, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह का आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड आउट द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो हम लोग कह चुके हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अब जैसे हम लोग को देखना है, देखिए ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, यही मेरा सेंटर है। अब इसके इधर जो भी कार्बन होगा, इसके इधर जो भी कार्बन होगा या इसके इधर जो भी कार्बन होगा, उन पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो सभी क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे यहाँ से इधर कितना है 2H है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3H है तो हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 1H है तो हो जाएगा 1 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 2, 3, 5 और ये 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब 6 हमारे क्या हो जाएंगे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। उसी प्रकार आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसको आप डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे कि देखिए हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, हम लोग कह चुके हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर मतलब क्या है 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है 1 अल्फा हाइड्रोजन। उसी प्रकार इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं बस 1 ही अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इस पॉजिटिव के बाद बस यही कार्बन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्बन इस पॉजिटिव के बाद इधर भी है, इधर भी है, ऊपर भी है, तो यहाँ पे टोटल जो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 7 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे हो जाएंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि बी हमारा, बी के पास कितना है 7 अल्फा हाइड्रोजन और ए के पास कितना है 3 अल्फा हाइड्रोजन और सी के पास कितना है 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए बी क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देख सकते हैं हम लोग
हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोन आयन, कार्बोन का मतलब कार्बन पे निगेटिव चार्ज। अब सेम तरीके से अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एच है डबल बॉन्ड सी एच टू, और ये जो मेरा सी एच है उसे ऑपरेटर बोलते हैं। सपोज ये अगर बॉन्ड इस पे जाएगा तो कार्बोन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे ही ये इस पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए जो sp3 वाला कार्बन है वो अपना हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और नो बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं सी एच पे पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला बॉन्ड से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड के इधर या इधर जो भी कार्बन होंगे और उसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो हम लोग समझ सकते हैं इसके तीन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है। इसीलिए इस एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा वो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही उसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा। हमारे पास एक और देखिए, पाँच एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच। तो इसमें देखिए, इसमें इधर कोई भी H नहीं है, इधर CH कोई भी नहीं है, इधर नहीं, तो इसमें जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए इस डबल बॉन्ड के इधर कुछ नहीं है लेकिन इधर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तीन अल्फा हाइड्रोजन। अब इस डबल बॉन्ड के इधर देखिए तीन है और इधर भी तीन है, तो छः अल्फा हाइड्रोजन। और इस डबल बॉन्ड के इधर तीन है और इधर छः है, तो नाइन अल्फा हाइड्रोजन। और इधर कितना हो जाएगा, बारह अल्फा हाइड्रोजन। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए कह सकते हैं लास्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वाले से। इसमें अगर एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये आपका रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपका ये चार अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, चार अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि सेवन अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपका तीन तीन छः और ये दो दो चार, यानी कि दस अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए सी क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन बी, देन ए। अब देख सकते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब जब फ्री रेडिकल की बारी आ जाएगी तो किसी भी, मतलब ये अगर सी एच टू पे क्या है, एक फ्री रेडिकल दिया हुआ, अब मुझे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करना। और हम लोग पहले से जानते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में जो पाई के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है तभी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ का जो सी एच बॉन्ड है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये एक फ्री रेडिकल अपना देगा इलेक्ट्रॉन और ये एच वाला एक इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ। तो इस ये बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा और उस एच पे एक मेरा फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड भी नहीं रहेगा और एक नया स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। आप इसे भी समझ सकते हैं कि इस फ्री रेडिकल के पहले जितने भी कार्बन है उस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन वो सभी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। या इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ इधर ही हो, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तीन डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ पे टू डिग्री फ्री रेडिकल, वन डिग्री मिथाइल, यहाँ पे नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिक्स अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे थ्री अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर आप दे सकते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए तीन डिग्री इज मोर स्टेबल देन टू देन वन देन मिथाइल फ्री रेडिकल। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरह का, इस स्ट्रक्चर में आपका सेवन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हो जाएगा और यहाँ पे दो हो जाएगा सेवन अल्फा हाइड्रोजन। इसमें आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका एक ही अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ वन अल्फा हाइड्रोजन, चूंकि इस जो फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला या बाद वाला, चूंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे वन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे सेवन अल्फा हाइड्रोजन। तो ए बड़ा होगा सी से, सी बड़ा होगा बी से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाइपर कंजुगेशन के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और आपको कुछ भी समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपना समस्या डाल सकते हैं और हम लोग उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। थैंक यू।